डॉक्टर आप पहले इस पे अपनी राय दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जी मैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कॉल की है कि ये किस तरह वीडियो बनी और किसने ये बनाई। आई डू नॉट नो अबाउट दिस, मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जब तक कि हमारे पास एक वो नहीं आएगी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बाहर कैसे एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि जो भी ये नेगेटिव मीडिया कैंपेन्स फैलाना चाहते हैं वो एक राय आमा कायम करना चाहते हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन और लोगों के। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये डेड बॉडीज वाकई पड़ी हुई थी या इन्होंने ये फेक बनाया? जी मैं इससे कुछ कह ही नहीं सकती, इसलिए कि दिस इज ये तो मुझे आधी से ज्यादा जगह तो जिन्हों हॉस्पिटल की लगी नहीं रही। और ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे जो कोविड वार्ड है उसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद ना हो या नर्सेस मौजूद ना हो। ठीक है डॉक्टर सिंह, एक और बात बता दीजिए, क्या हमारे पास क्या कैपेसिटी टू कंटेन डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में मौजूद है? हम कितनी डेड बॉडीज एक वक्त में, एक दिन में, 24 घंटे में रख सकते हैं? अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये डेड बॉडीज भेजने का तरीका जो है ये बहुत डिफरेंट है नॉर्मल डेड बॉडीज से। अगर आमतौर पे किसी शख्स का इंतकाल हो जाए अस्पताल में तो उनके लवाहिक की जो एम्बुलेंस हम अरेंज कर देते हैं या वो अरेंज कर लेते हैं और एम्बुलेंस अरेंज करके शीट करके और डेड बॉडीज जो उनको हैंड ओवर कर दी जाती है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे आए चाहे वो किसी भी वाक्य से आए। लेकिन ये कोविड 19 एक ऐसा मसला हो गया कि जिसमें डेड बॉडीज आप हैंडओवर नहीं कर सकते अटेंडेंट को बगैर हुकूमत को इतला दिए गए, हुकूमत को इतला देनी होती है। ईडी एक आखिरी बात आपसे सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई कोविड 19 के साथ डेड हो गया है अपनी वार्ड के अंदर तो वहां से कितनी देर में रिमूव हो जाती है बॉडी? जी जितनी देर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को इंफॉर्मेशन चली जाती है, ईडी एम्बुलेंस वाले आते हैं और उसके बाद फिर ये डेड बॉडीज को रिमूव करते हैं। इसमें कई दफा बहुत जल्दी भी हो जाता है, कई दफा टाइम भी लग जाता है। ठीक, लेकिन ठीक। हमने वार्ड में एक जगह मुख्तस की है जहाँ पर डेड बॉडीज ये डेड बॉडीज रखते हैं। आप मेरे साथ हैं अशरफ साहब, ये फरमाइए कि ये सारे हालात आपके सामने हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल एसोसिएशन पीएमए के, आप इनको कैसे देख रहे हैं? लोग फर्ज कीजिए कि अगर मैं ये प्रिज्यूम कर लूं कि वीडियोस जाली हैं तो ये जाली कैसी हैं, अगर ये किसी और हॉस्पिटल की हैं तो वो भी बड़ी नालायक बात है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर तो एक बहुत संजीदा मामला ये। देखिए बिलाल भाई, इस बात पे कहना कि हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी जा रही है तकरीबन ये थोड़ा सा मुबालगा आरा से हो जाएगा। एक ऐसी डिजीज आई है और हुक्मरान तबके की तरफ से आपने भी रिपीटेडली इसकी निशानदेही की, हम एज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ओनली पीएमए दी अदर ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत तो बारहा ये बाबर करवा चुके हैं कि इसके ऊपर खुदारा तवज्जो दीजिएगा। अब ये एक्सपो सेंटर्स के अंदर ये चीजें बना देना जहां डॉक्टर अशरफ साहब, नजामी साहब आपने तो कमाल बात कर दी, आप ही की मिनिस्टर जो है उन्होंने तो वहाँ हजार बेडों पे बैठ के वी बना के तस्वीरें खिंचवाई। डॉक्टर यासमीन मैं कर तो उनको ये बात नहीं इल्म क्या कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, कमर्शियल सेंटर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं? मैं एक अर्ज कर देता हूँ, मतलब लाहौर के अंदर 19 मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट, मैं सरकारी की बात नहीं करता, 19 मेडिकल कॉलेजेस है। हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिनिमम 500 बेड्स अपने साथ रखने, 500 से 600 बेड्स। अब 500 से भी अगर एवरेज बेड की जाए तो ये बिलाल भाई 4,500 बेड बनता है। 4,500 बेड में से अगर डॉक्टर अशरफ नजामी, आप दुनिया के आखिरी अकलमंद आदमी थोड़ी है, यासमीन राशिद तो आपके उस्तादों में से है, वो कह रही है क्या बात है, यूं करके कह रही है कि हमने बना लिए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आपने पहले भी अर्ज की, मेरी समझ में आती है, लेकिन डॉक्टर होते हुए एक मिनिस्टर को ये समझ नहीं आनी चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मेरी समझ में आती है, मेरी समझ में यह है कि उन बेचारी की दुखाने पर उस तरह से बात नहीं समझी जाती। और आप वंस यू आर इन पावर और पावर कॉरिडोर के अंदर है, मेरी बहन सीनू बैठी है, इससे पहले मेरी दोस्त सफर असलम कह रहे थे, अब इनका मतलब एक स्टेटस ऐसा है कि दे हैव टू जस्टिफाई, उन्होंने कहना कि ये चीजें ठीक है और ठीक हो जाएंगी, मतलब ये एक बड़ा हमारा एक है, हमें जरा थोड़ा सा एक एज है एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या एक आउटस्पोकन नुमाइंदा होने के साथ इसके जो हम सोचते हैं जो समझते हैं उसका इजहार भी कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है एक हमेशा और दैट मच क्रिटिकल ना हो, लेकिन ये एक ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल हमारे मुल्क के अंदर आ गया है। अभी आप फरमा रहे थे कि 15 या 25
अरब रुपया अगर यहाँ पे रख दिया गया पंजाब के अंदर, एक ऑफ इंडर में से अगर आप एक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कुछ करोड़ भी दे देते तो वो आपका शुक्रिया भी अदा करते, मेडिकल प्रोफेशनल भी वहाँ मौजूद होते, डॉक्टर भी होते, नर्सेज भी होते। अब देखिए यार ये पीकेएलआई को नहीं दे सके क्योंकि वो शहबाज शरीफ ने बनवाया था, तो मैं तो इस पे आपको क्या कह सकता हूँ। इस वक्त कुछ भी कहिए डॉक्टर अशरफ, मजाक नहीं है बिल्कुल भी, ईमानदारी से आपको शहबाज शरीफ और वो ख्वाजा का भाई जो है साद का, वो तो सलमान साद तो रफीक सर याद आ रहे होंगे ना इस वक्त। मैं समझता हूँ ऐसी बातें नहीं, जब भी हुकूमत के अंदर सब अच्छा की बातें हम करते हैं। वैसे ये शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब का दौर ही था कि जिन्होंने महकमा से सत्यानाश किया था, एक महकमे को दो के अंदर तकसीम कर दिया, किसी को पावर फॉर डोज देने की खातर जरूरत से ज्यादा इश्तेहार आते थे। तो ये बड़ी एक ऐसी कहानी है उन्होंने जो हक तो चाहिए। बहुत सही बात है जुबैर भाई, आपकी आपने बातें सारी बातें सुनी है। देखिए मैं तो ये बात ऐसे एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो मुसलमान को भी छोड़ दीजिए, ईमान को भी छोड़ दीजिए, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई जिम्मेदार शख्स जो है वो सही और गलत में फैसला ना कर सके क्राइसिस के दरमियान। मुसलमान होके तो फैसला करना मुझे लगता है वो ईमान की हालत है, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता। आप पता नहीं कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि हजरत उमर खताब का, इमाम अली का दौर हो और कोई शख्स उनको राजी और खुश करने के लिए कोई गलत खबर सुना दे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, असल बात यही है कि हमारे यहाँ करप्शन, बद इंतजामी, गफलत, कोताही, बद नजमी ये इतनी बढ़ गई है, प्लस इसके अंदर खुशामद को शामिल कर लें, और फिर अहम तरीन बात यह है कि आप इन तमाम के तमाम मसाइल की जो जड़ है उस जड़ पर भी जरा सा आप आए ना। यानी अब आपने सारे मसाइल पर डिस्कस कर लिया, खुराक का मसला है, रिजा नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, किटें दस्तियाब नहीं, अच्छा पैसा मिल रहा है नीचे तक नहीं पहुंच रहा, टेस्टों पर फिर टेस्ट नहीं हो रहे, कयाम तमाम इलाज का इंतजाम नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, वो जो कोरोना के मरीज का जो प्लास्टिक की रैपिंग या मैयत का जो लिबास, उसको ऐसी जगह पर फेंका गया कि एक खेलने वाला बच्चा वो कोरोना के मरीज का वो प्लास्टिक रैपिंग वो अपने ऊपर चढ़ा रहा है और खेल रहा है उसके साथ, और उसको लिबास के तौर पर उसने पहना हुआ है, इसकी वीडियो भी आई हुई है। अल्लाह ये आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी चीजों को सही जगह पे तल्फ करने का भी इंतजाम नहीं है, ये तक हमारी सूरत हाल है। और मैं समझता हूं सियासी हुकूमतों का जो बाहमी तजाद है बिलाल भाई, इसने बहुत बड़े मसाइल और प्रॉब्लम क्रिएट किए। मैं डे वन से दो बातें करता आ रहा हूं, जहां इस्लाम की रोशनी में आपके साथ मैं बात कर लूं कि ये जो डिस्पोजेबल लिबास है इसको डिस्पोज करने का क्या अस्पतालों के अंदर ही इंतजाम है या ये कहीं बाहर इंतजाम आउटसोर्स किया हुआ है? नहीं जी, हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो वी हैव एन इंसिनरेटर और उसमें एक स्टेरिलाइजेशन का यूनिट भी है, तो सब कुछ जो है हॉस्पिटल के अंदर से वहां से कलेक्ट होता है, और जो नेक्स्ट को वो हम उसी तरह। आपने बड़ी बड़ी ही सेंसिबल बात की, मुझे एक सिर्फ जवाब दे दीजिएगा, मैं बड़े अदब के साथ और माफी के साथ आपकी बात को मैंने काटा, मुझे बताइए कि क्या निजाम को ठीक करने का ये तरीका हो सकता है कि टेलीफोनों के ऊपर, फोनों पे और वीडियो बनाने पे बैन लगा दिया जाए? देखिए नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। आप अपनी नोबडी इज परफेक्ट, और जो जो हमारी गलतियां हैं या जो जो हमारी जो शॉर्टफॉल्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर सीमी जमाली आपने, डॉक्टर अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुबैर भाई होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस वक्त हम जाएंगे छोटे से वक्फे पे, वापस आते हैं।